हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और नेमत डॉट खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे किचन में चिकन कीमा और आलू बन रहा है, तो बने रहे मेरे साथ। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और देखें इसके बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त लेता है। यूँ समझे कि इसका कुकिंग टाइम बस 10 से 15 मिनट है। तो देखते हैं इसके बनाने का तरीका, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और हमसे जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमा आलू बनाने के लिए मैंने सभी सामानों को इकट्ठा किया है। इनमें ये 400 ग्राम हमारा चिकन का कीमा है, और ये दो मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये दो मीडियम साइज़ आलू है जिसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, और ये सफ़ेद आलू है, ये बहुत जल्दी आसानी से गल जाता है। ये दो प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये पांच हरी मिर्च है जिसे मैंने टुकड़े में काट लिया है, और इसकी जो बीज थी उसे मैंने हटा दिया है। साथ ही ये दो तीन हरी मिर्च है जो गार्निशिंग के लिए है। साथ ही ये 1 टेबल स्पून भर कर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और यहाँ पर जो सामान है वो हमारा बघार के लिए, ये दारचीनी है, बड़ी इलायची है और स्टार एनीस है, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है, और ये बघार का सामान है तो पकने के बाद आप इसे डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए चॉप कोरिएंडर लीफ रखा है, और यहाँ 2 टेबल स्पून होममेड दही है जिसे मैंने फेंट लिया है। यहाँ पर कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, तो ये है हमारा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, पपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है और ये चीज़ों को कलर देता है, तीखा नहीं करता। तीखा करने के लिए हमारा रेड चिली पाउडर है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कुछ कम हल्दी पाउडर है, और जायके के हिसाब से नमक है, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून से कुछ ज़्यादा लिया है, और ये है हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर। इसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इतने मसाले से हमारा कीमा बनेगा। साथ ही कुछ कोरिएंडर लीव्स यहाँ भी हमने चॉप करके रखा है, ये पकाते वक्त हमें कीमे में डालना है। तो आइए इन सबों का बेहतर इस्तेमाल करके हम अपना मज़ेदार सा चिकन कीमा बनाते हैं। एक नॉन स्टिक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखें, और उसमें लगभग 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालें। प्याज को गुलाबी होने तक तलें। इसमें बहुत हल्का सा गुलाबीपन आना है। 2 मिनट तक प्याज पक चुका है, अब यहाँ पर बीच में जगह बना लें और कटी हुई मिर्च डालें। प्याज में गुलाबीपन आने लगा है, यहाँ पर कीमा डालें और इसे अच्छी तरह तेल में तल लें ताकि कीमा अपने जूसेस रिलीज करे। अब कीमा सफ़ेद हो चला है, तो यहाँ पर आलू और टमाटर इसमें शामिल करें। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 2 मिनट वक्त दें, बीच में ये भूनता रहेगा। साथ ही साइड से कीमा को उलट पलट करते रहें। दो मिनट से हमारा आलू और लहसुन अदरक का पेस्ट भुना जा रहा है, और साथ में किनारे में कीमा भी तला जा रहा है। अब यहाँ पर कटी हुई टमाटर डालें और इसे भी नरम होने के लिए 2-3 मिनट वक्त दें। फ्लेम अभी मीडियम रखें।
तो लगभग 4 मिनट इसको हुआ है और देखिए अब टमाटर की शक्ल पेस्ट जैसी हो रही है और ये मुलायम हो चला है। अब यहाँ पर सारे सूखे मसाले डालें। अब जो मैंने कढ़ाही में डालने के लिए चॉप कोरिएंडर रखा था वो भी डालें। फ्लेम को लो रखें। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सारे मसाले सीमा आलू और टमाटर एक जान हो जाएं। अभी तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर तलते हुए रखा है। देखिए ये कितना लाजवाब और कितना कलरफुल लग रहा है और तैयार होने के बाद भी ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनेगा और साथ ही इसकी कुकिंग टाइम बहुत कम है। अब इसमें लगभग 300 ml या एक लार्ज कप पानी डालें भरकर। तो पानी डालें। अब इसमें उबाल आने के बाद इसे लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएं कि आलू गल जाए। पानी डालने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और पकने के बाद हमें इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ड्राई रखनी है और ना ये करी वाला होगा। बस यूँ समझें कि इसमें इतना करी होना चाहिए कि ये ब्रेड पर स्प्रेड हो सके। अब इसे ढक दें और इतनी देर तक पकाएं कि ये गल जाए। 10 मिनट के बाद इसे खोल कर देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल बराबर पानी हो गया है और इसका आलू देखिए मक्खन की तरह कट रहा है। देखिए इसे कुछ सेकंड और दे दें और ये अब डिश में जाने के लिए रेडी है। मैंने कुकर को खोला है और जैसा कि हमारा अंदाज़ा था पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो अब ये डिश में जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने एक दो काम और करनी है तो मैंने ये मोटे मसाले को निकाल दिया था और अब इसे डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका। साथ ही यहाँ पर वो दही जो मैंने रखा था उसे डाल दें। अब दही के साथ इसे भून लें। यहाँ पर आप अपनी नमक एडजस्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि कीमा कितना क्रीमी और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी लाजवाब हुई है। तो देर ना करें इसे डिश आउट कर लें। अब सरफेस पर तेल भी दिखने लगा है तो इसे निकाल लें और गर्मा गर्म चपाती या राइस के साथ सर्व करें। तो अगर आपने इस डिश को एंजॉय किया हो और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने जानने वालों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।